अडानी मामले पर दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, कई कार्यकर्ता हिरासत में। चीन ने 5 महाद्वीप में 12 देशों की जासूसी की, अमेरिका का दावा, दुनिया भर के सैनिक ठिकानों पर स्पाई बैलून भेजे, इनमें भारत भी शामिल। हिंडनबर्ग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर 11% टूटा, एक दिन पहले 23% बढ़ा था, 4000 करोड़ का लोन चुकाएगा गुट। विपक्ष पर मोदी का तंज, एक अकेला सब पर भारी, कहा नेहरू महान थी तो परिवार का कोई व्यक्ति उनका सरनेम क्यों नहीं रखता। प्रकाश राज का विवेक अग्निहोत्री पर फूटा गुस्सा, कहा द कश्मीर फाइल्स बकवास फिल्म, इंटरनेशनल जूरी तक ने उन पर थूक दिया। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले का विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, स्टूडेंट्स ने पुलिस पर पत्थर फेंके। जासूसी मामले में सीएम केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस पर धरना दिया, कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। भारत के लिए ट्विटर ब्लू वेरिफिकेशन की कीमत अब तय हो गई है, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए $8 और साथ ही आईफोन यूजर्स के लिए $11 प्रति महीना का देना होगा चार्ज। मुंबई हाईकोर्ट ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार और साथ ही NHSRCL के द्वारा मुंबई के विक्रोली क्षेत्र में शुरू किए गए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ गोदरेज एंड बॉयस द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि ये परियोजना राष्ट्रीय के लिए है और जनता के भले के लिए है। मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ठाएं ठाएं की आवाज निकालकर रोब जमाने वाले 27 बुलेट के साइलेंसरों को निकाल दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की है जो बुलेट से ठाएं ठाएं की आवाजें निकालते थे। ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोगों पर सख्त दिखते हुए कार्रवाई कर रही है, 27 बुलेट चालकों पर बड़ी कार्रवाई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया और अडानी मुद्दे पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उन्हें मौनी बाबा तक कह दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि देश की जनता नकारात्मक स्वीकार नहीं कर सकती और उनके ऊपर लगाए गए झूठे आरोपों पर कभी भरोसा नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल के बजट सत्र के पहले दिन ने उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाए जाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। टीएमसी ने बंगाल की विभाजन के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने की घोषणा की है। 10 फरवरी को लखनऊ में प्रधानमंत्री ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे और इन्वेस्ट यूपी 2.0 को लॉन्च करेंगे। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 10 से 12 फरवरी तक चलेगा। 2024 से पहले फिर हो सकता है बीजेपी सुभाषपा में गठबंधन, राजभर ने मिलाए भाजपाई सुर में सुर। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने संकेत दिए हैं कि अगर राजभर फिर से भाजपा में शामिल होना चाहते हैं तो भाजपा उन्हें मौका जरूर देगी। रोडवेज बस ने हीरो मोटर्स की 7 कर्मचारियों को रौंदा, 4 की मौके पर मौत, 3 गंभीर रूप से हुए घायल। ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट छूटने के बाद घर जा रहे थे सभी कर्मचारी। केंद्र की रिपोर्ट में हरियाणा को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट में हरियाणा को देश के सबसे असुरक्षित राज्यों में टॉप पर स्थान दिया है। रिपोर्ट में सबसे सुरक्षित राज्य नागालैंड को बताया गया। प्रभास इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट के और सालार की शूटिंग में बिजी हैं। अब खबर आ रही है कि प्रभास की तबीयत खराब हो गई है, जिसके चलते अभिनेता ने फिल्म की शूटिंग को कैंसिल कर दिया है। राखी और उनके पति आदिल दुरानी का रिश्ता टूटने की कगार पर है। हाल ही में राखी सावंत ने आदिल के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस बीच राखी सावंत ने खुलासा किया है कि आदिल पहले से शादीशुदा है और उसको इसका सबूत भी मिल गया है। पठान की कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है, फिल्म करोड़ों में कमाई कर रही है। फिल्म ने 15 दिनों में जहां देश में 433 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, वहीं इसकी वर्ल्ड वाइड कमाई 880 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है।